सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, आज का ये जो वीडियो है ना, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अलग और स्पेशल होने वाला है। क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग स्काई शॉट वन टैप कैसे मार सकते हो। अब गाइस देखो, आप लोगों ने तो नॉर्मल वन टैप का वीडियो देखा ही होगा और आप लोग नॉर्मल वन टैप मारते भी हो शायद, बट गाइस देखो स्काई शॉट वन टैप अगर आप लोग मारोगे ना, तो गाइस आप लोग का जो गेम प्ले है वो पूरा नेक्स्ट लेवल लगेगा। अब गाइस देखो, जैसे आप लोग मेरा गेम प्ले बैकग्राउंड में देख ही पा रहे हो, जो जो मैं हेडशॉट मार रहा हूँ ना, ये सब स्काई शॉट वन टैप है। मतलब देखो स्काई शॉट वन टैप का मतलब बेसिकली ये क्या वन टैप है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये वन टैप मतलब आप लोग जब भी वन टैप मारोगे तो वन टैप मारने के बाद आपका जो एम है वो हवे पे चला जाएगा और इससे मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों का गेम प्ले दिखने में बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है यार। मतलब आप लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो आप लोगों का गेम प्ले पूरा नेक्स्ट लेवल लगेगा। ऊपर से अगर कोई बंदा मतलब आपको अगर स्पेक्टेटिंग कर रहे हैं तो गाइस उसको तो भाई कत ही ओपी लगेगा आपका गेम प्ले। और स्काई शॉट वन टैप कैसे मारते हैं मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में बोल दूंगा। टोटल में आप लोगों को 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बोलूंगा जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो जैसे मैं बैकग्राउंड में वन टैप मार रहा हूँ, कितना देखो कितना ओपी लग रहा है बैकग्राउंड का गेम प्ले, तो आप लोग भी वैसा मार पाओगे। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जो जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बोलूंगा उसको जरूर से फॉलो करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है। आज के इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 6K likes, आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो तो गाइस फटाफट आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना, इससे मतलब मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। सो गाइस चलो फटाफट अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है स्काई शॉट वन टैप हेडशॉट मारने का, वो है देखो जंप एंड शूट। अब गाइस देखो, जब भी आप लोग मतलब फायर करोगे ना, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक जंप ले लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो एम है वो हवे पे रहेगा और जब भी आप लोग ड्रैग करोगे ना तो इजीली हेडशॉट लग जाएगा। आप गाइस देखो बैकग्राउंड में मैं जो जो क्लिप दिखा रहा हूँ आप लोग देखो, जब भी मैं फायर कर रहा हूँ तो एटलीस्ट एक जंप पहले ले रहा हूँ और जंप करने के बाद मैं फायर कर रहा हूँ। इससे मतलब मेरा एम जो है एनिमी के हेड तक इजीली पहुंच जा रहा है। और मतलब आप लोगों को क्या करना है ना, मतलब जब भी आप लोग ड्रैग करोगे तो आप लोगों को ज्यादा ड्रैग करना है। देखो गाइस मतलब जब भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा एम जो है वो मतलब हेडशॉट मतलब मारने के बाद देखो हवे पे चला जा रहा है। इससे मतलब मैं ज्यादा ड्रैग कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी ज्यादा ड्रैग करना है। इससे मतलब आपका जो स्काई शॉट वन टैप हेडशॉट है ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा ओपी लगेगा आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब देखो मैं और एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, पहले एक बार जंप ले लेना छोटा सा, फिर आप लोगों को ज्यादा ड्रैग करना, मतलब इतना ज्यादा ड्रैग करो कि मतलब हेड पे लगने के बाद जो आपका एम है वो हवे पे चले जाए। और अगर आप लोग ज्यादा ड्रैग नहीं कर पा रहे हो तो हेडशॉट लगने के बाद अपना जो स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ कर दो। सो ये जब भी आप लोग करोगे ना, आप लोगों का स्काई शॉट वन टैप हेडशॉट दिखने में भी बहुत ज्यादा ही ओपी लगेगा। तो अगर आप लोग का ज्यादा ड्रैग नहीं होता है तो आप लोग एक वन टैप हेडशॉट मारने के बाद अपना स्क्रीन फटाफट एकदम बहुत ऊपर की तरफ कर दो। इसके बाद जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है आपका सेंसिटिविटी। अब गाइस देखो, आपका सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। तो गाइस देखो, आपको तो सेंसिटिविटी के बारे में पता ही है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। सिर्फ आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपना जनरल रेड डॉट मतलब ये सब जो जो है सब कुछ 100 कर दो, मतलब एकदम 100 ही रखो। अगर आप लोग मोबाइल प्लेयर हो तो सब कुछ आप लोग 100 कर दो। और DPI अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो गाइस आप लोग 50 तक बढ़ा सकते हो। मतलब देखो नॉर्मल DPI 360 होता है तो आप लोग 50 बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा मत बढ़ाना क्योंकि फोन फालतू में खराब हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है एम लॉक कैसे करना है। मतलब देखो एनिमी के हेड पे आपका जो एम है वो कैसे लॉक करना है। अब गाइस देखो, मैं आप लोगों को जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने के बाद आप लोग हर एक गन से ही वन टैप मार पाओगे। मतलब देखो आप लोग वुडपेकर से भी मार पाओगे, डेजर्ट ईगल से भी मार पाओगे, M1887, M1014 सब गन से आप लोग वन टैप मार पाओगे। सो चलो अभी बात कर लेते हैं आप लोगों को एनिमी के हेड पे अपना जो एम है वो कैसे लॉक करना है। देखो गाइस आप लोगों को क्या करना है ना, आपका एम जब वाइट रहेगा, मतलब जब भी आपका एम वाइट रहेगा उसी टाइम में ही आप लोगों को ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग ड्रैग करोगे तो आपका एम एनिमी के हेड पे ऑटोमेटिक चला जाएगा और आप लोगों का हेडशॉट लग जाएगा। देखो गाइस जब भी आपका एम जो है वो अगर रेड रहता है ना तो कभी भी आप लोगों को फायर नहीं करना है। ऐसा जब भी आप लोग करोगे तो क्या होगा, मतलब जब भी आप लोग फायर करोगे तो मतलब गोली जो है वो एनिमी के हेड के ऊपर से निकल जाएगा या फिर आप लोगों का हेडशॉट नहीं लगेगा। बट गाइस देखो, जब भी आपका एम जो है वो अगर वाइट रहे, मतलब एनिमी के पास ही हो, हेड के पास ही हो, बट वो अगर वाइट रहे तभी मतलब उस टाइम ही आप लोगों को ड्रैग करना है, तभी आप लोगों का स्काई शॉट वन टैप लगेगा, वरना भाई नहीं लगेगा। इसके बाद गाइस जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं आप लोग डेजर्ट ईगल से कैसे स्काई शॉट वन टैप कैसे मार सकते हो। देखो आप लोगों को क्या करना है ना, एक डेजर्ट ईगल से गोली मार के आप लोगों को रीलोड करना है। देखो गाइस आप लोग बहुत यूट्यूबर को देखे होंगे, बहुत बड़े-बड़े
यूट्यूबर को देखे होंगे जो ये चीज करते हैं, जैसे क्लासी फ्री फायर आप लोगों ने देखा ही होगा, क्लासी भाई करते एक डेजर्ट ईगल से मारने के बाद रिलोड कर लेते फिर फायर करते। देखो इससे क्या होता है ना, आप लोगों का एक्यूरेसी ज्यादा मिलता है और आप लोगों का डेजर्ट ईगल से भी इजीली हेडशॉट लग जाता है। तो गाइस ऑलवेज ट्राई करो कि एक डेजर्ट ईगल से मारने के बाद आप लोग फटाफट एक रिलोड कर लो फिर आप लोग और एक फायर करना, देखना मतलब अगर आप लोगों का फर्स्ट गोली नहीं लगा हेडशॉट तो सेकंड गोली आप लोगों का हेडशॉट लग जाएगा। इसके बाद गाइस जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वो है, देखो आप लोगों को अगर स्काई शॉट वन टैप हेडशॉट मारना है ना तो गाइस आप लोग ऑलवेज फ्री स्टाइल वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करो। मतलब देखो आप लोग ज्यादा ग्लूव मत लगाओ, नॉर्मली अगर मतलब डेजर्ट से फायर करो, मतलब एक फायर मार के मतलब इधर उधर भागो, M1887 से एक गोली मार के इधर उधर भागो, वैसे तो आप लोगों को पता ही है फ्री स्टाइल वन टैप कैसा होता है, तो आप लोग वैसा ही ट्राई करो। ज्यादा अगर ग्लू वॉल ग्लू वॉल मारने जाओगे तो आप लोगों का ये जो स्काई शॉट वन टैप है ये नहीं लगेगा सीधा बात। देखो मतलब नॉर्मल वन टैप तो लग जाएगा बट स्काई शॉट हेड शॉट अगर आप लोगों को मारना है ना स्काई शॉट वन टैप तो आप लोगों को फ्री स्टाइल मूवमेंट ही ज्यादा यूज करना है और फ्री स्टाइल लेके ही बंदे को ज्यादा मारना है। गाइस देखो जो सिक्स नंबर ट्रिक है वो है, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखो कौन से रेंज पे ज्यादा हेड शॉट लगता है। अब गाइस देखो बेसिकली तीन टाइप का रेंज होता है, पहला होता है शॉर्ट रेंज, फिर होता है मिड रेंज और तीसरा होता है लॉन्ग रेंज। तो गाइस देखो सबसे ज्यादा जो हेडशॉट लगता है ना वो लगता है मिड रेंज में। देखो शॉर्ट रेंज में भी लगता है, लॉन्ग रेंज में भी लगता है, बट सबसे ज्यादा जो हेडशॉट लगता है वो है मिड रेंज में। तो गाइस देखो जब भी आप लोग ये स्काई शॉट वन टैप परफॉर्म कर रहे हो आप लोगों को मतलब ज्यादा ट्राई करना है मिड रेंज में रहो, क्योंकि मिड रेंज में इजिली आपका हेडशॉट लग जाएगा और आप लोग इजिली वन टैप भी मार पाओगे। गाइस जो सेवन नंबर ट्रिक है वो है, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों का जो फायर बटन का साइज होता है ना वो भी भाई बहुत ज्यादा ही मैटर करता है हेडशॉट मारने में। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को एक परफेक्ट फायर बटन का साइज बता देता हूँ, आप लोग अपना फायर बटन को साइज मतलब फायर बटन का साइज को 55 कर लो। ये फायर बटन का साइज में ना बहुत ही ओपी वाला हेडशॉट लगता है, आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हो। और अपना जो फायर बटन है ना वो थोड़ा नीचे की साइड रखो, मतलब थोड़ा नीचे की साइड रखो, इससे मतलब जितना ज्यादा आप लोग ड्रैग करोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों का हेडशॉट लगने का चांस है। तो गाइस आप लोग जितना हो सके उतना मतलब नीचे की साइड रखो अपना फायर बटन। गाइस जो एट नंबर ट्रिक है वो है, देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कैरेक्टर बता दे रहा हूँ जो आप लोगों को हेडशॉट मारने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे वन टैप हेडशॉट मारने में। पहला जो कैरेक्टर है वो है दशा, फिर जो दूसरा नंबर कैरेक्टर है वो है लौड़ा, और जो थर्ड नंबर कैरेक्टर है वो है डीबी, और गाइस जो फोर्थ नंबर कैरेक्टर है वो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो कोई भी कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोग जरूर से ले सकते हो वन टैप हेडशॉट मारने के लिए। गाइस जो नाइन नंबर ट्रिक है वो है, देखो जब भी आप लोग वन टैप हेडशॉट मारते हो ना तो अगर आप लोग का गोली रिकॉइल कर जाता है, मतलब आप लोग ड्रैग करते हो और गोली जो है सर के ऊपर से निकल जाता है या फिर भाई आपका बॉडी लगता है, तो तब आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तब आप लोग काम कर सकते हो, एक बार सेटअप कर लेना, मतलब एक बार सेटअप जब भी आप लोग करोगे तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाएगा, या फिर आप लोग ग्लू वॉल लगा देना, इससे मतलब आप लोग ग्लू वॉल लगा के पीछे आना और फिर से आप लोग वन टैप का ट्राई करना। मतलब देखो अगर आप लोग का वन टैप नहीं लगता है तो आप लोग बार बार ही मतलब वन टैप मत ट्राई करो, थोड़ा सा मतलब दो सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मतलब ग्लू वॉल लगा दो या फिर थोड़ा पीछे आ जाओ या फिर सेटअप कर लो फिर मारना, देखना हेडशॉट लगेगा फिर। गाइस आज के जो लास्ट ट्रिक है वो है, देखो आप लोग को ऑलवेज रोटेशन ड्रैग का यूज करना है, मतलब आपको अपना फायर बटन को नीचे ला के ऊपर करना है, ये जब भी आप लोग करोगे तो आप लोग का हेडशॉट लगने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस आप लोग ऑलवेज रोटेशन ड्रैग का ही यूज करो, और जिस डायरेक्शन में बंदा भाग रहा है आप लोग को उस डायरेक्शन में ही फायर करना, मतलब अगर बंदा राइट में भाग रहा है तो आप लोग को रोटेशन ड्रैग राइट की तरफ करना है, अगर बंदा लेफ्ट में जा रहा है तो आप लोग को रोटेशन ड्रैग लेफ्ट की तरफ करना है। सो गाइस यही कुछ टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो अगर आप लोग फॉलो करोगे तो गाइस आप लोग स्काई शॉट वन टैप बहुत ही ज्यादा इजीली मार पाओगे। और बाय द वे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और मेरा गेम प्ले कैसा लगा वो भी जरूर से मेरे को कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। यार क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन पूरा आप लोगों के लिए है, जो मन चाहो कमेंट में जरूर से लिख देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी नहीं किया तो गाइस अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो भाई फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय।